तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ मैं। मान अर्पित, गान अर्पित, रक्त का कणकण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ मैं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ मैं। ये सुमन लो, ये चमन लो, नीर का तृण तृण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ मैं। नमस्कार, सुप्रभात। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु के इस विशाल एवं सुशोभित प्रांगण में मैं सेरिंग टाशी, सेकंड इन कमांड जीडी, अपने सहयोगी उद्घोषक सब इंस्पेक्टर जीडी प्रगति और कांस्टेबल जीडी शमा के साथ आप सभी आमंत्रित अतिथियों, पत्रकार बंधुओं, गणमान्य व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों एवं दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त जन समुदाय का आज के 117वां नॉन जीडी महिला एवं पुरुष बैच के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की ये सुनहरी सुबह की ये मधुर बेला, मंद मंद मुस्कुराती हवा, अपनी खुशबू बिखेरती हुई अनोखी हरियाली छटा, नव नवेली दुल्हन की तरह सजे विशाल प्रांगण में 768 बहादुर जवानों को अपने हरे भरे आंचल में स्पेट लेना चाहती है। आज दिनांक 5 सितंबर को इन नव सैनिकों की ऐतिहासिक तिथि है, जब ये अपने 24 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण पूर्ण कर इस प्रांगण से विदाई लेंगे। आइए एक नजर डालते हैं इस परेड मैदान की सजावट पर, जो इन हिमवीरों और हिम वीरांगनाओं की उमंग में अपनी छटा बिखेरता, उनके उत्साह के पलों में नयन विराम दृश्य प्रदान करता, मानो अपने आप को कृतार्थ कर रहा हो। ठीक सामने किले की प्राचीर, जिसके मध्य में किले का द्वार, इस द्वार से ये हिमवीर प्रशिक्षण के शुभारंभ के लिए इस प्रांगण में आए थे और आज दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के समापन के साथ ही अपना अंतिम पग इस प्रशिक्षण क्षेत्र को छोड़ने के लिए बढ़ाएंगे। द्वार के ऊपर दोनों ओर बुर्ज, जिनमें विगुल वादक उद्घोषणा हेतु तैयार, अपनी प्राचीन परंपरा को जीवित रखने का एक सफल प्रयास। वो कहते हैं कि थक गई निगाहें मंजिलें राह के लिए, थक गई निगाहें मंजिलें राह के लिए, क्या मुश्किल दौर था वो बता ना सकेंगे। आ ही गया वो वक्त जिसका शिद्दत से था इंतजार, इस वक्त को जीवन में बुला ना पाकी। आज 24 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण के बाद ये नवसैनिक अपने मंजिल तक आ ही चुके हैं। प्रशिक्षण के सघन धूप छांव के कठिन दौर से गुजरते हुए ये नवसैनिक अब अपने जीवन के अगले सोपान में प्रवेश करते हुए हिमवीर परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। आज की ये सुहानी सुबह वातावरण को रोमांचित कर देने का एहसास दिलाती हुई और ये नीला आसमान पूरा पवन की शीतलता, मानो पुकार पुकार कर कह रही हो कि आओ हिमवीरो, आज की इस पवन बेला पे मैं भी आपके साथ शिरकत करूंगी। सामने किले की प्राचीर में लहराती हुई ये रंग बिरंगी पताकाएं इस भव्य परेड का स्वागत करने के लिए बेताब हैं। आज का दिन सभी नव आरक्षियों के लिए हर्ष एवं खुशी का दिन है। 24 सप्ताहों के कठिन प्रशिक्षण के दौरान हर घड़ी इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहा है। इन नव आरक्षियों को शपथ ग्रहण करने के बाद एक पूर्ण सैनिक का खिताब पाकर भारत माँ की रक्षा के लिए अपने आप को अर्पित करने जा रहे हैं। ये नव आरक्षी बहुत ही भाग्यशाली हैं। ये नव प्रशिक्षणार्थी जिन्हें श्री आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र बानो के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिनके प्रशिक्षण में विशेष रुचि, अनुभव व कुशल दर्शन के फल स्वरूप ही ये प्रशिक्षणार्थी कड़े प्रशिक्षण की बट्टी में तपकर खरा सोना बनकर परेड स्थली में अपने हुनर की चमक बिखेरने के लिए तैयार हैं। प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही है कि जब राजा महाराजा अपनी सेनाएं युद्ध क्षेत्र के लिए कूच करते थे तो बिगुल वादकों द्वारा रणवेरी बजाकर युद्ध आरंभ होने की सूचना दी जाती थी और साथ ही उससे पूर्व घुड़सवारों द्वारा युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण किया जाता था।
क्योंकि ये परेड स्थली इन प्रशिक्षणार्थियों की कर्म स्थली है। अतः उसी प्राचीन परंपरा को कायम रखते हुए आज के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के शुभारंभ होने से पूर्व घुड़सवारों के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण। कृपया सभी दर्शक सामने प्राचीर की ओर अपना ध्यान दें। अभी आपने देखा कि ये घुड़सवारों द्वारा परेड प्रांगण का निरीक्षण किया गया। आइए अब आप और हम भी साक्षी बने आज के पास आउट हो रहे इन नौजवानों के जीवन के उन सुनहरे पलों के, जो कि अब से कुछ ही समय पश्चात परेड प्रांगण में इनके आगमन के साथ आरंभ होने जा रहे हैं। कृपया सभी अपना ध्यान सामने किले की प्राचीर की ओर ले जाएं। कृपया सभी अपना ध्यान सामने किले के प्रवेश द्वार पर ले जाएं, जहां से पाइप बैंड की मधुर धुन पर ये भव्य परेड मैदान में प्रवेश कर रही है। जयकारों के साथ, दिल में जोश व नई उमंग के साथ यह भव्य परेड किले के अंदर आती हुई एकाएक सैलाब सा उमड़ आया है। जोशीले हिमवीरों और हिमवीरांगनाओं की यह टोली बुलंद हौसलों के साथ एक लय व ताल के साथ बढ़े चले आ रहे हैं। रणभेरी बज उठी, चल पड़ी बहादुरों की टोलियां, गूंज उठी है दिशा दिशा में जय भारत की बोलियां। 24 सप्ताह पहले इन हिमवीरों का प्रशिक्षण इसी प्रांगण से आरंभ हुआ था और आज दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण के साथ ही अपना अंतिम पग इस प्रशिक्षण क्षेत्र को छोड़ने के लिए बढ़ाएंगे। बैंड की मधुर धुन पर कदम से कदम मिलाकर अपनी प्लाटून के चिन्हित स्थानों की तरफ आगे बढ़ते हुए ये नव हिमवीर एवं हिमवीरांगनाएं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते हाथ लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। परेड कमांडर के नेतृत्व में परेड निर्धारित समय पर परेड ग्राउंड में आ रही है और अब ये हिमवीर अपने अपने निर्धारित एवं चिन्हित स्थान पर एक साथ कदम ताल करते हुए
परेड द्वारा उत्कृष्ट तरीके का थम। परेड कमांडर के आदेश पर मध्य सच की कार्रवाई करती हुई यह परेड। उमड़ रहा उत्साह आज का कैसा दृश्य निराला है, जिसने हर सैनिक के मन में फिर से नवजीवन डाला है। किस उमंग में खड़ा हुआ यह सैनिक दल सज आया है, और किसके स्वागत को यह सुंदर तोरण द्वार सजाया है। चेहरे पर गर्व, आंखों में दृढ़ संकल्प, इरादों में भविष्य में आने वाली जिम्मेदारियों को निभाने की शपथ के साथ अब ये नव आरक्षी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। आज प्रशिक्षण समाप्ति के अवसर पर ये नव हिमवीर एवं हिमवीरांगनाएं भारत देश व संविधान के प्रति सत्य निष्ठा व कर्तव्य प्रायणता से सेवा करने संबंधी शपथ लेंगे। आइए अब सामने खड़ी सुसज्जित परेड से आपका परिचय कराते हैं। आज की इस भव्य परेड की कमान संभाले हैं परेड कमांडर हवलदार सीएम दीपक सिंह। परेड की द्वितीय कमान संभाल रखी है कांस्टेबल WM परनीत कुमार 21वीं बटालियन ने। मंच के बाईं ओर खड़ी है प्लाटून नंबर 1 जिसकी कमांड संभाल रखी है CTSK गोपाल 11वीं बटालियन। प्लाटून नंबर 2 जिसकी कमांड संभाल रखी है CT बार्बर सूरज कुमार 1ली वाहिनी ने। प्लाटून नंबर 3 जिसकी कमांड संभाले हैं CT गार्डनर प्रदीप सिंह 23वीं बटालियन। प्लाटून नंबर 4 जिसकी कमांड संभाले हैं हेड कांस्टेबल CM संदीप शिवास एकेडमी। प्लाटून नंबर 5 की कमान संभाले हैं कांस्टेबल बार्बर ललिता जादौन 47वीं वाहिनी। परेड के पीछे व मध्य में खड़ी है बैंड प्लाटून जिसकी कमांड संभाले हैं निरीक्षक GD दिवाकर प्रसाद। मंच के बाईं ओर खड़ी है प्लाटून नंबर 6 जिसकी कमांड संभाले हैं कांस्टेबल CM अमीशा बुडा कोटी 22वीं बटालियन। प्लाटून नंबर 7 की कमांड संभाले हैं हेड कांस्टेबल CM ईश्वर तिग्गा 11वीं बटालियन। प्लाटून नंबर 8 की कमांड संभाली है कांस्टेबल WM आशीष कुमार 20वीं बटालियन। प्लाटून नंबर 9 की कमांड संभाली है हेड कांस्टेबल CM सौर्य प्रताप सिंह। मंच के बाईं ओर खड़ी है प्लाटून नंबर 10 जिसकी कमांड संभाले हैं हेड कांस्टेबल CM भानु प्रताप BTC। आज की भव्य परेड में दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर 170वां नॉन GD बैच के कुल 768 प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, जो कि देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से संबंध रखते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। राजस्थान से 150, छत्तीसगढ़ 4, हरियाणा 62, बिहार 85, दिल्ली 22, हिमाचल प्रदेश 17, उड़ीसा 2, मध्य प्रदेश 95, महाराष्ट्र 8, जम्मू एंड कश्मीर 4, पंजाब 4, उत्तर प्रदेश 245, उत्तराखंड 41, वेस्ट बंगाल 15, झारखंड 11, तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 1 व केरला से 1। कुल 768 जाबाज बहादुर सैनिक इस परेड में शिरकत कर रहे हैं, और आज इस प्रशिक्षण स्थली को छोड़कर अपने आप को राष्ट्र व बल की सेवा के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। यदि इन हिमवीरों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं, 25,
बारहवीं 244, ग्रेजुएट 403, पोस्ट ग्रेजुएट 57, बीएड 18, वेटनरी डिप्लोमा 21 उत्तीर्ण है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बल व राष्ट्र की सुरक्षा शिक्षित सैनिकों के हाथों में है। आज की इस भव्य परेड में देश के भिन्न भिन्न भागों से चुने हुए फूलों का यह गुलदस्ता, जिसमें हर धर्म, जाति, क्षेत्र व वर्ग के हिमवीर शामिल हैं, जो कि चरितार्थ करते हैं वासुदेव कुटुंबकम के आदर्श वाक्य को। अब से कुछ ही समय पश्चात प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के सेनानी प्रशिक्षण श्री सुनील कांडपाल हमारे बीच पधारने वाले हैं। महोदय के आगमन की प्रतीक्षा में सभी की निगाहें मुख्य द्वार की ओर। वक्त के सितम हो या तेज आंधियां, वक्त के सितम हो या तेज आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते, जिन्हें याद कर मुस्कुरा दे आंखें, वो लोग दूर होकर भी जुदा नहीं होते। निगाहें उठा सके अब वतन की तरफ किसके बाजों में जोर है, निगाहें उठा सके अब वतन की तरफ किसके बाजों में जोर है, दौर कई आए जहां में मगर इस दौर का जवाब कुछ और है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। बल ने अपने दायित्व के क्षेत्र में अपनी गरिमा के अनुरूप समर्थ भूमिका निभाते हुए देश की सीमा की रक्षा में अद्वितीय योगदान दिया है। देश की सीमा पार तथा आंतरिक शत्रुओं के विरुद्ध बल की सेवाओं ने कई विशेषताएं अर्जित की हैं। प्रारंभ से ही बल को विशेष भूमिका दी गई है। पंजाब में जब आतंकवाद अपने चरम पर था, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को प्रांत की बैंकों की सुरक्षा हेतु नियुक्त किया गया था। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध अभियानों में नियुक्त किया गया। बल ने अपने समर्पित निष्ठा से इन भूमिकाओं में अपनी विशिष्ट छवि को बरकरार रखा है। बल को श्रीलंका में भारतीय दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। संयुक्त राष्ट्र के विदेशी मिशनों में बल के अधिकारियों तथा कर्मियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बल की कार्य क्षमता पर सरकार ने विश्वास जताकर वर्ष 2004 में उत्तर पूर्व के क्षेत्र में भी सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश की भारत चीन सीमा की जिम्मेदारी बल को सौंपी। आज बल के पास विश्व के दूरतम समझे जाने वाले जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न दर्रों, ले लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेकर जाचेपला तक कुल 3488 किलोमीटर लंबी दूर सीमा रेखा की जिम्मेदारी है। यह बल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इस विशाल सीमा की सुरक्षा पूर्ण समर्पण एवं कार्य कुशलता के साथ कर रहा है। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री संजीव रैना,
अपर महानिदेशक पश्चिमी कमान, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि महोदय आज अपने आशीर्वाद देने हमारे बीच पधार रहे हैं। कुछ ही पलों में सेनानी प्रशिक्षण श्री सुनील खानपाल जी का आगमन होने वाला है। और इसी बीच सेनानी महोदय का आगमन, श्री सुनील कांडपाल सेनानी प्रशिक्षण भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र बना। परेड कमांडर द्वारा महोदय का परंपरागत रीति सलामी शस्त्र से अभिनंदन किया गया। श्री सुनील कांडपाल सेनानी प्रशिक्षण प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का जन्म 2 जुलाई 1981 को पिथौरागढ़ जिले में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के उपरांत बतौर सहायक सेनानी 2 नवंबर 2004 को इस बल में शामिल हुए। आपको आधार प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक के रूप में चुना गया एवं गृह मंत्री के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। आधार प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत आप भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की विभिन्न इकाइयों फॉर्मेशनों में तैनात रहे। आपने उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर गार्डिंग वाहिनियों में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। आप वर्ष 2009 से 2014 तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी में बतौर प्रशिक्षक तैनात रहे हैं, जिस दौरान आपने विभिन्न प्रकार के कोर्सों जैसे ACGD बेसिक एंड ACLDC बेसिक कोर्सेस के आधार प्रशिक्षण में कोर्स निदेशक के तौर पर एवं विभिन्न इन सर्विस कोर्सों में प्रशिक्षक के तौर पर अपनी अमूल्य सेवाएं दी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी में तैनाती के दौरान आपने विभिन्न कोर्सों की विषय वस्तु के अपग्रेडेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं सौंपे गए कार्यों के प्रति आपकी जिम्मेदारी, अनुशासन और बल के प्रति निष्ठा अपने वरिष्ठों के लिए प्रशंसा और विश्वास का कारण रही है। आपके द्वारा सीमा सुरक्षा संबंधी कर्तव्यों के साथ साथ संयुक्त रूप से आयोजित विभिन्न प्रकार के LRPs, SRPs एवं कोर्स लेवल, सेक्टर लेवल युद्ध अभ्यासों में भाग लिया है। आपके द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की विभिन्न बॉर्डर गार्डिंग वाहिनियों में तैनाती के दौरान मुश्किल परिस्थितियों में अनेक खोज एवं बचाव अभियानों का कुशलता पूर्वक नेतृत्व किया गया है। आपने अपने सेवाकाल के दौरान देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों जैसे घातक कमांडो कोर्स इन्फेंट्री स्कूल बेलागावी, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर कोर्स NPA हैदराबाद व जूनियर कमांड कोर्स आर्मी वॉर कॉलेज से उत्तीर्ण किया है। आप जूनियर कमांड मैनेजमेंट कोर्स एवं सीनियर कमांड मैनेजमेंट कोर्स ITBP अकेडमी से ओवरऑल सर्वोत्तम प्रशिक्षणार्थी रहे हैं। आपको प्रशिक्षण गतिविधियों के क्षेत्र में काफी उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त है, जिसका लाभ वर्तमान समय में प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भानु के प्रशिक्षणार्थी उठा रहे हैं तथा वे निरंतर अपने शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे बीच पधारने वाले हैं
ब्रिगेडियर गुरेंद्रपाल सिंह गिल उप महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण, और इसी बीच महोदय का आगमन। ब्रिगेडियर गुरेंद्रपाल सिंह गिल उप महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र बानो। परेड द्वारा महोदय का परंपरागत रीति जनरल सैल्यूट के साथ अभिनंदन किया गया। ब्रिगेडियर गुरिंद्रपाल सिंह गिल उप महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र बानो। दिसंबर सन 1988 में भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट के 9वीं वाहिनी में तैनात हुए थे। आप प्रतिष्ठित और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला और भारतीय सेना अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र रहे हैं तथा आपने लगभग 34 वर्षों के अपने लंबे और शानदार सेवाकाल के दौरान विभिन्न स्थानों एवं पदों पर रहते हुए भारतीय सेना में सेवाएं दी हैं। महोदय, आपने भारतीय सेना के सभी आने वाले पाठ्यक्रमों जैसे यंग ऑफिसर्स कोर्स, कमांडो कोर्स, मोटार कोर्स, इन्फेंट्री स्कूल से माउंटेन वॉरफेयर कोर्स, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग से जूनियर कमांड और सीनियर कमांड कोर्स, आर्मी वॉर कॉलेज महू एवं प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सेवा स्टाफ कोर्स DSSC वेलिंगटन से पूर्ण की है। आपने पंजाब के मैदानी इलाकों, राजस्थान के रेगिस्तान, अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों एवं जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन सहित विभिन्न इलाकों में एडजुटेंट, क्वार्टर मास्टर और कंपनी कमांडर जैसे विभिन्न पदों पर रहते हुए 15 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। आपने मार्च 2008 से लेकर 2010 तक राष्ट्रीय राइफल मद्रास की 54वीं वाहिनी की कमान संभाल चुके हैं। महोदय, आप भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल सेक्टर मुख्यालय के GSO3 ईंट उत्तर पूर्व में एक माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर और ऑपरेशन पराक्रम अंबाला में स्ट्राइक कोर के GSO1 ऑप्स, डीजी आसाम राइफल के GSO1 और एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर, एक को मुख्यालय के ब्रिगेडियर प्रशासन और एक इन्फेंट्री डिवीजन के आप डिप्टी GOC के पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। महोदय, भारतीय सेना अकादमी देहरादून में बटालियन कमांडर और आर्मी वॉर कॉलेज महू में जूनियर कमांड विंग के आप सीनियर इंस्ट्रक्टर के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। आपको जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड के कमेंडेशन से भी सुशोभित किया गया है। महोदय, आप वर्तमान में प्रतिनियुक्ति एवं सह पुनर्नियोजन पर प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल बानो में उप महानिरीक्षक के पद पर रहते हुए प्रशिक्षण की गतिविधियों को अपने दिशा निर्देश में संचालित कर रहे हैं। और अब से कुछ ही पलों में हमारे बीच पधारने वाले हैं हमारे संस्था प्रमुख श्री आनंद पाल सिंह निम्बाडिया, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र बानो। इन 768 नव प्रशिक्षणार्थियों को, जो कि विभिन्न प्रांतों तथा वाहिनियों से ताल्लुक रखते हैं, कि मुखमंडल की आभा और गर्व से तने हुए सीने यह संकेत दे रहे हैं कि देश के सम्मुख आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सदैव तत्पर एवं सक्षम है। पूर्ण आशान्वित हैं कि ये नौनिहाल हिमवीर एवं हिमवीरांगनाएं बल की शान में 4 चांद लगाएंगे। आज ये बहादुर सैनिक बल के परंपरागत परिधान में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज इनका स्वर्णिम दिन, जब इन्हें एक पूर्ण सैनिक का दर्जा प्राप्त होगा। इनके साथ इनके प्रशिक्षकों, वरिष्ठ अधिकारियों की शुभकामनाओं के साथ इस प्रांगण से भावभीनी विदाई मिलेगी। न जाने कौन सी बात आखिरी हो,
न जाने कौन सी बात आखिरी हो और न जाने कौन सी रात आखिरी हो, जब तक हैं सांसें हम करते रहेंगे देश की सेवा, कौन जाने कौन सी सांस आखिरी हो। अटल विश्वास व दृढ़ संकल्प इनकी मुस्कुराहट एवं आंखों से झलकता हुआ। कुछ ही पलों में हमारे संस्था प्रमुख हमारे बीच पधारने वाले हैं। देवी और सज्जनों, आपके जानकारी के मैं बता दूं, आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री संजीव रैना अपर महानिदेशक महानिदेशक पश्चिमी कमान चंडीगढ़। श्री संजीव रैना भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल काडर ऑफिसर के वो ऐसे अधिकारी हैं जो अपर महानिदेशक के रैंक पर पहुंचे हैं। महानिरीक्षक महोदय का आगमन प्रशिक्षण के मुख्य द्वार पर हो चुका है। बीटीसी बानू के अधिकारियों से रूबरू होते हुए महोदय, संस्था प्रमुख श्री आनंद पाल सिंह निम्बारिया धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड कमांडर द्वारा महोदय का परंपरागत जनरल सैल्यूट के साथ अभिनंदन किया गया। श्री आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया की पृष्ठभूमि ग्रामीण क्षेत्र से है। आपका जन्म गांव उबारपुर जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश में हुआ। आप अपने परिवार के दूसरी पीढ़ी के सदस्य हैं जो कि सशस्त्र बल में सेवारत हैं। आपके पिताजी तथा बड़े भाई भी भारतीय सेना में सेवारत रहते हुए देश की सेवा की है। आप भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के 1989 बैच के अधिकारी हैं। आप 25 अप्रैल 1989 को सहायक सेनानी के पद पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा में शामिल हुए। आप बल में पदस्थ होने से लेकर अब तक जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल राज्यों के सुदूर एवं अति दुर्गम क्षेत्रों में तैनात रहे। आपने वर्ष 2007 से 2010 तक मिर्थी पिथौरागढ़ में अपनी तैनाती के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया। उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय बरेली में पदस्थ रहते हुए उत्तरांचल के कुमाऊं क्षेत्र में तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की विभिन्न वाहिनियों का कुशल नेतृत्व किया। आपकी पिछली तैनाती मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा नामक कस्बे में स्थित स्पॉट वेपन ट्रेनिंग स्कूल में रही। स्पॉट वेपन ट्रेनिंग स्कूल समस्त केंद्रीय सशस्त्र बलों में एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि एक ही स्थान पर बड़े हथियारों जैसे मोर्टार, CZRL, MMG, स्नाइपर, AGS आदि का प्रशिक्षण दे रहा है। आप बतौर कार्यालय अध्यक्ष इस संस्थान के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना ही नहीं, संस्थान के कार्यालय अध्यक्ष के तौर पर वृक्षारोपण, स्वच्छता कार्यक्रमों आदि के माध्यम से स्थानीय प्रशासन के बीच संस्थान की लोकप्रियता बढ़ाई। आपके द्वारा करेरा के सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य से गोद लेकर वहां निरंतर स्वच्छता कार्यक्रमों को आयोजित करवाया, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा आपकी भरपूर सराहना की गई। प्रशिक्षण केंद्र में भी नए आयामों को हासिल कर न केवल संस्थान की अपितु बल की ख्याति बढ़ाई। आप 1995 से 2000 विशेष सुरक्षा दल के सदस्य के तौर पर भारत के प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा में भी तैनात रहे। आपकी विशिष्ट सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक पदक
वर्ष 2011 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से अलंकृत किया गया। वर्ष 2019 में विश्व प्रसिद्ध ऑपरेशन डेयर डेविल का कुशल मार्गदर्शन आपके द्वारा ही किया गया, जिसमें 8 विदेशी पर्वतारोहियों के शवों को नंदा देवी पर्वत की 21,000 फुट की ऊंचाई के क्षेत्र से सुरक्षित निकाला गया तथा उनके शवों को उनके देशों में भेजा गया। आपके इस अदम्य साहसपूर्ण व असाधारण कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष ऑपरेशन पदक से नवाजा गया। आपको इस पदक को प्राप्त करने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों तथा भारतीय पुलिस बलों के प्रथम सैनिक होने का गौरव भी प्राप्त है। 1 अगस्त 2023 में आप महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के पद को सुशोभित करते हुए संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जिससे आपके नेतृत्व में संस्थान नित दिन नए आयामों को प्राप्त कर रही है। आपके प्रशिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की वजह से ही वर्ष 2022 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्रशिक्षण केंद्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक के रूप में भी चयन किया गया तथा फलस्वरूप गत वर्ष माननीय गृह मंत्री जी द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक के रूप में भी पदक से सम्मानित किया गया। आपकी पुत्री उत्तर प्रदेश के 2017 बैच की PCS अधिकारी हैं तथा वर्तमान समय में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप अपनी सफलता का श्रेय अपने पिताजी को देते हैं, जो कि आपके आदर्श हैं। भारतीय सेना तथा केंद्रीय सशस्त्र बलों के सैनिकों के जीवन में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो कि पर्दे के पीछे रहकर सदैव अपने पति की शक्ति बनकर सदैव उनकी हिम्मत और साहस को बढ़ाती हैं। इसी प्रकार आपने भी अपने जीवन की सफलता का श्रेय अपनी धर्म पत्नी श्रीमती विमलेश निम्बाड़िया को दिया है। कुछ ही पलों में हमारे बीच पधारने वाले हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री संजीव रैना, अपर महानिदेशक 10वीं कमान चंडीगढ़। अटल अद्भुत अदम, इसके वर्णन का ना कोई लेखा है। मैंने हिमालय को देखा है, इस विशाल पर्वत पर मेरे कदम की रेखा है। मैंने हिमालय को देखा है, कदम कदम चलकर इस पर हर चोटी को माथा टेका है। मैंने हिमालय को देखा है, शीत लहर तेज पवन अग्नि का ना अस्तित्व जहां पर, उस हिमालय गर्भ के हर कुंड में रोटी को सेका है। मैंने हिमालय को देखा है। सात सौ 768 प्रशिक्षणार्थी आज शामिल होने जा रहे हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल परिवार में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एक बहुत ही प्रतिष्ठित और देश के सर्वोत्तम बलों में से एक, सभी की निगाहें बेसब्री से इंतजार करते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। घोड़ों की टाप इस बात को इंगित कर रही है कि आज के मुख्य अतिथि परेड प्रांगण में कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। आज के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, जिनका आशीर्वाद पाकर आज ये नव सैनिक एक पूर्ण सैनिक का दर्जा हासिल करेंगे। आज इस भव्य समारोह में
पधारकर हम सभी को कृतार्थ करने वाले हैं। आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री संजीव रैना, अपर महानिदेशक पश्चिमी कमांड मुख्यालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहां पधारने का हमारा आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय का काफिला अश्वरोही दस्ते की अगुवाई में धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर अग्रसर, जहां पर महोदय को ससम्मान कृष धारण करवाई जाएगी। श्री संजीव रैना, और इसी बीच महोदय का आगमन। महोदय को प्रतिष्ठा स्वरूप कृष धारण करवाई जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों से रूबरू होते हुए महोदय श्री संजीव रैना, अपर महानिदेशक पश्चिमी कमान, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज महोदय का आशीर्वाद हमें प्राप्त होने जा रहा है। महोदय के आगमन पर बिगलुरों द्वारा परंपरागत धुन बजाकर महोदय का स्वागत किया गया। अधिकारियों से रूबरू होने के बाद महोदय धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड कमांडर द्वारा जनरल सैल्यूट के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया गया और परेड कमांडर जोशीली अंदाज में परेड का रिपोर्ट देने और निरीक्षण का आग्रह करने के लिए चुस्त कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर। जय श्री मत 170वें नॉनजीडी समुदाय के 768 महिला एवं पुरुष प्रशिक्षणार्थी दीक्षा एवं शपथ ग्रहण समारोह परेड पर परेड निरीक्षण के लिए उपस्थित है। श्रीमान जय श्रीमान। परेड कमांडर का आग्रह स्वीकार करने के बाद महोदय परेड निरीक्षण के लिए अग्रसर और साथ में है श्री आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र। परेड के निरीक्षण के लिए और सैन्य हिमवीरों को अपना आशीर्वाद और सानिध्य देने के लिए सुसज्जित वाहन में सवार होकर परेड ग्राउंड की ओर अग्रसर। महोदय, आपका जन्म सन 1964 में तथा आप 30 नवंबर सन 1987 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सीधे राजपत्रित अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर नियुक्त होते हुए और अपने बैच के आप सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी रहे हैं। महोदय, आपके 36 सालों से ज्यादा के अपने सेवाकाल के दौरान बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में सहायक सेनानी से महानिरीक्षक तक के पदों में रहते हुए बल्कि J&K, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, CIGW स्कूल माहीडांडा, सेक्टर हेडक्वार्टर NO रायपुर छत्तीसगढ़, सेक्टर हेडक्वार्टर बैंगलोर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ईटानगर, सेंट्रल फ्रंटियर भोपाल की इकाइयों में कुशल नेतृत्व किया है तथा वर्तमान समय में आप अपर महानिदेशक पश्चिमी कमान भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं।
महोदय आप यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। महोदय आप अपने सेवा काल के दौरान बल्कि काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। दाहिने देख के साथ महोदय को अभिनंदन करते हुए और महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण किया जा रहा है। आपके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम रहा है कि महानिदेशालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की तरफ से काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल की स्थापना संबंधी दायित्व आपको सन 2000 में आपको सौंपा गया था और आपने इस चुनी को सहर्ष स्वीकार करते हुए काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल की स्थापना की तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदाधिकारियों की तैनाती से पूर्व उन्हें गहन प्रशिक्षित एवं मार्गदर्शन किया है। आपके इस अनुभव एवं कुशल नेतृत्व को देखते हुए सेक्टर हेडक्वार्टर एनओएम बेंगलुरु में 2013 से 2016 तक उप महानिरीक्षक के पद पर रहते हुए आपने शानदार अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, जो कि बल के लिए एक महान उपलब्धि रही है। महोदय प्रशिक्षण के लिए सदैव ही आपका स्पष्ट और नवीनतम दृष्टिकोण रहा है व आपके द्वारा प्रशिक्षण प्रणाली में अभ्यास में नवीनतम पद्धति अपनाने के लिए विशेष पहल की जाती रही है। महोदय आप चाहे ऑपरेशनल फ्रंट की हो प्रशिक्षण या फिर सामान्य प्रबंधन की, आपने अपने आघात अनुभवों से न केवल अपने मातहतों को कुशल मार्गदर्शन किया है बल्कि उनके दिलों पर राज करते हुए सदैव उनका मनोबल ऊंचाई बना रखा है। महोदय आपको आपकी सेवा के दौरान स्वतंत्रता दिवस सन 2008 के अवसर पर सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, सराहनीय कार्य के लिए कठिन सेवा पदक, पुलिस स्पेशल ड्यूटी पदक, संयुक्त राष्ट्र शांति पदक, आंतरिक सुरक्षा पदक तथा स्वतंत्रता दिवस सन 2020 के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी अलंकृत किया गया है। महोदय निरीक्षण के उपरांत पुनः धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर। दर्शक दीर्घा में बैठे समस्त दर्शकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि महोदय का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। सभी दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री संजीव रैना, अपर महानिदेशक पश्चिमी कमान चंडीगढ़ भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसके बाद परेड कमांडर महोदय से परेड आरंभ करने की अनुमति लेंगे। समारोह परेड आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। जय श्रीमान। परेड प्रारंभ करने की अनुमति लेने के उपरांत परेड कमांडर चुस्त सदैव कदमों से अपने चिन्हित स्थान की ओर वापस जाते हुए अब राष्ट्रीय ध्वज और बल ध्वज को सम्मान के साथ परेड ग्राउंड में लाया जाएगा, जिसे साक्षी मानकर आज ये नव सैनिक शपथ लेंगे। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि ध्वज टोली के सामने से गुजरने पर और ध्वजों के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एवं वर्दी में उपस्थित समस्त पदाधिकारी सैल्यूट देकर ध्वज को सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। यह हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। किसी भी परेड में हमारे हिंदी वीरांगनाओं के द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के हिंदी वीरांगनाओं का ये
ध्वज टोली रक्षक पहली बार किसी परेड में शामिल होते हुए जोरदार तालियों के साथ खैर मकदम कीजिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के इतिहास में एक नई पहल, ध्वज टोली में पहली बार वीरांगनाओं की टोली चल रही है, जो कि हम सब के लिए गर्व का विषय है और महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल है। अपने कर्तव्यों संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, यही है आईटीबीपी की हिम वीरांगनाओं की पहचान। राष्ट्रीय ध्वज व बल ध्वज को साक्षी मानकर ये नव सैनिक अपने हाथों को उठाकर आज शपथ ले रहे हैं भारत माता की सुरक्षा को और भी मजबूत करने की। इन ध्वजों को साक्षी मानकर प्रण कर रहे हैं कि हम अपने देश की आन बान व शान को कम नहीं होने देंगे, चाहे प्राणों का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक शरीर में जान है। ये नवसैनिक आज बेताब हैं सौगंध लेने के लिए कि अब इनके अंदर वो जज्बा है कि किसी ने भारत माता की सार्वभौमिकता व अखंडता में कोई गुस्ताखी की तो भले ही जान क्यों न चली जाए, मगर भारत माता के सपूत भारत माता के आंचल पर आँच नहीं आने देंगे। धन्य है भारत माता के ये सपूत, धन्य है वे माताएं और उनकी हिम्मत जिन्होंने अपने लाडलों को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया है। ऐसी वीरांगनाओं को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल परिवार सलाम करता है और ये हिमवीर अपने हाथों को उठाकर मानो मन ही मन में संकल्प ले रहे हों कि हमको शपथ हिमालय की अपने बल के झंडे की, मातृभूमि की कसम हमें, हमको कसम तिरंगे की। दोनों ध्वजधारियों द्वारा धीरे चाल का बेहतरीन नमूना। राष्ट्रीय ध्वज को थामे हैं निरीक्षक जीडी चंद्रकिरण गुप्ता और बल ध्वज को थामे हैं निरीक्षक जीडी मंजू सिविल। इन ध्वजों के मान सम्मान व राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए इनके नीचे संगठित होकर एक समान लक्ष्य, राष्ट्र की सेवा, सुरक्षा व अखंडता एवं संप्रभुता को अक्षुण बनाए रखने के लिए कार्य करते रहेंगे। कुछ ऐसा ही प्रण लेते हुए ये नव हिमवीर एवं हिमवीरांगनाएं। अब ये दोनों ध्वजधारी परेड मैदान के मध्य में अपना स्थान लेने के लिए आगे बढ़ते हुए
जहां इन नव आरक्षकों को सेवा संबंधी शपथ दिलाई जाएगी। शपथ दिलाने जा रहे हैं श्री प्रवीण सिंह, उपसेनानी प्रशिक्षण प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में ईमानदारी से श्रद्धापूर्वक सेवा करूंगा। वायु भूमि या समुद्र मार्ग से जहां कहीं भी जाने का आदेश दिया जाएगा वहां जाऊंगा और भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और मेरे ऊपर नियुक्त किसी भी अधिकारी के सभी समादेशों का अपने जीवन का जोखिम उठाकर भी पालन तथा अनुपालन करूंगा। शपथ दिलाने के बाद दोनों ध्वज परेड के दाहिने ध्वज रक्षक टोली के साथ अपना स्थान ग्रहण करने के लिए चुस्त और सधे कदमों से आगे बढ़ते हुए दोनों ध्वजधारी यही लहराता रहे। सबसे ऊंचा जहां में तू, हिमालय से ऊंची तेरी शान हो, कुर्बानियों से पाया है तुझे खातिर तेरे अपना बलिदान हो। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की आवाम का है। राष्ट्रीय ध्वज और बल ध्वज को जिस सम्मान के साथ परेड पर लाया गया था, उसी सम्मान के साथ अब परेड से ले जाया जा रहा है। दर्शकों से एक बार पुनः मेरा अनुरोध कि राष्ट्रीय ध्वज व बल ध्वज के सम्मान हेतु अपने अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। राष्ट्रीय सैल्यूट राष्ट्रगान की मनोहारी धुन से राष्ट्रध्वज व बल ध्वज को सम्मान के साथ परेड ग्राउंड से वापस ले जाया जा रहा है।
परेड कमांडर के आदेश पर परेड के दाहिने मुड़कर तेज चाल में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए संगठन के अनुशासन और एकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। आज की यह परेड जिसमें बल का नया जोश अपने प्रशिक्षण की झलक दिखाने के लिए आगे निकल पड़ी है। आज इन सैनिकों के जोश को देखते हुए मैं बस यही कहूंगी, बड़ो नई जवानियां सभी के शीश झुक गए, बड़ों मिली कहानियां कि प्रेम गीत रुक गए, बड़ों की आज स्वतत्व का समर तुम्हें पुकारता, बड़ों की देश का तुम्हें सुमन सुमन निहारता। दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के शुभ अवसर पर इस सुशोभित परेड स्थली में चेहरों पर गर्व की चमक, आंखों में दृढ़ संकल्प व इरादों में आने वाली हर चुनौतियों व जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का संकल्प लिए हुए हमारे हिमवीर और ये हिमवीरांगनाएं। और अब परेड मन से गुजरने के लिए तैयार, अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री संजीव रैना अपर महानिदेशक महोदय का। एक का बाद एक मन से गुजरने के तैयार। परेड के सबसे आगे परेड कमांडर हेड कांस्टेबल सीएम दीपक सिंह, परेड की द्वितीय कमान कांस्टेबल वॉशरमैन पवनीत। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, आसमां भी आएगा जमी पर, इरादों में बस जीत की गूंज चाहिए। प्लाटून नंबर एक की कमान संभाली है कांस्टेबल एसके गोपाल सिंह, इसके पीछे प्लाटून नंबर दो जिसकी कमान संभाली है कांस्टेबल बारबर सूरज कुमार। कदम से कदम मिलाते हुए दाहिने देखकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया गया। इसके पीछे प्लाटून नंबर तीन की कमान संभाली है कांस्टेबल गार्डनर प्रदीप सिंह। बड़ी ही मुस्तैदी से सीना ताने दाहिने देख से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन। इसके पीछे प्लाटून नंबर चार की कमान संभाले हुए हैं हेड कांस्टेबल सीएम संदीप श्रीवास। कवायद का बेहतरीन प्रदर्शन से दाहिने देखकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया गया। इसके पीछे हिमवीरांगनाओं की टोली प्लाटून नंबर पांच। प्लाटून नंबर पांच की कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल बारबर ललिता जादौन, बहुत ही चुस्ती के साथ दाहिने देख का नमूना। इसके पीछे हिमवीरांगनाओं की एक और टोली जिसकी जिसकी कमान संभाले हुए हैं हेड कांस्टेबल सीएम अमीशा बुद्धाकोटी, महोदय का दाहिने देख से अभिनंदन। इसके पीछे हिमवीरों की प्लाटून प्लाटून नंबर सात जिसकी कमान संभाले हुए हैं हेड कांस्टेबल सीएम ईश्वर टीगा। दाहिने देख से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन। इसके पीछे प्लाटून नंबर आठ की कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल वॉशरमैन आशीष कुमार। जोशीले वर्ड ऑफ कमांड के साथ दाहिने देख से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन। इसके पीछे प्लाटून नंबर 9 की कमान संभाले हुए हैं हेड कांस्टेबल सीएम सूर्य प्रताप सिंह। दाहिने देख का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन प्लाटून नंबर 9 के द्वारा। और अंत में आ रही है प्लाटून नंबर 10 जिसकी कमान संभाले हुए हैं हेड कांस्टेबल सीएम भानु प्रताप। कदम से कदम मिलाकर
जोशीले अंदाज में मार्च करते हुए प्लाटून नंबर 10। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों के सिर, जोशे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। मुख्य अतिथि महोदय, भाव विभोर आनंद अतिरेक, आज के इस शुभ अवसर पर इन प्रशिक्षणार्थियों के लिए मंगल कामना की मुद्रा में हर्षित होकर आपका मौन आशीर्वाद मानो इन पंक्तियों को उद्बोधित कर रहा हो। उठो हिमाद श्रृंग से तुम्हें प्रजा पुकारती, उठो प्रशस्त पथ पर बढ़ो सुबुद्ध भारती, उठो स्वदेश के लिए बनो कराल काल तुम, बढ़ो स्वदेश के लिए बनो विशाल ढाल तुम। अब ये हिमवीर सैनिक का पूर्ण दर्जा प्राप्त करने के उपरांत इन शब्दों को चरितार्थ करते हुए कि हम जवान देश के अजय प्राण देश के, कि हम जवान देश के अजय प्राण देश के, पहाड़ भी अगर मिले मिला न आँख पाएगा, बिढ़ेगा यदि कुबुद्धि से तो काल मात खाएगा, अमर विहान देश के हम जवान देश के। एक लय व ताल के साथ आगे बढ़ते हुए यह परेड, जिसके अनुशासन व एकता को देखते हुए मैं यही कहूंगी कि यह प्रशिक्षकों की मेहनत का नतीजा है। आज बीटीसी खुशियों की बारिश में भीगा है, हर किसी के चेहरों पर खुशियों की मुस्कान तो देखिए, हर परेड की हर अदा पर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर की पहचान तो देखिए। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी बीटीसी की एक अलग छाप छोड़ते हुए एक लय व ताल के साथ निरीक्षण लाइन की ओर बढ़ते हुए ये हिमवीर एवं हिमवीरांगनाएं। निरीक्षण लाइन पर पहुंचने के बाद ये प्लाटूने अपने अपने निर्धारित एवं चिन्हित स्थान पर एक साथ कदम ताल करती हुई। परेड कमांडर के आदेश पर मध्य सच की कार्यवाही करती हुई यह परेड। ये सैनिक समीक्षा क्रम में आगे बढ़कर जनरल सैल्यूट के साथ मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। जनरल सैल्यूट के साथ महोदय का एक बार पुनः अभिनंदन किया गया परेड कमांडर के द्वारा। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्री आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया महानिरीक्षक प्राथमिक प्रश्न केंद्र से कि वह मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित जन समुदाय के सम्मान में स्वागत भाषण देने की कृपा करें। श्री आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया।
आदरणीय श्री संजीव रैना, एडिशनल डायरेक्टर जनरल वेस्टर्न कमांड भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ब्रिगेडियर जीएस गिल, डीआईजी बीटीसी, डॉक्टर टेकचंद, डीआईजी बीटीसी निचेदार, श्री सुनील कांडपाल, सेनानी बीटीसी, सभी सम्मानित महिलाएं, सम्मानित अतिथिगण, बाहर की फॉर्मेशंस के अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, मीडिया बंधु, हिमवीरो, इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले 170वें नॉन जीडी बैच के 761 प्रशिक्षणार्थियों ने और उनके परिवारजन, सर्वप्रथम मैं श्री संजीव रैना, एडिशनल डायरेक्टर जनरल वेस्टर्न कमांड भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का आभारी हूं कि इन्होंने नव प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन करने हेतु और आशीर्वाद के लिए आप अपने व्यस्तम समय से यहां आए हैं। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपके कृतज्ञ हैं। मैं अन्य विशेष अतिथिगण, मीडिया बंधु तथा पासिंग आउट में होने वाले प्रशिक्षणार्थियों के परिवारजन जो इस समारोह में आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। आज के दीक्षांत एवं शपथ समारोह में 761 प्रशिक्षणार्थी हैं, जिसमें 656 पुरुष तथा 105 महिलाएं हैं। यहां मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये नॉन जीडी बैच है जिनके की 24 हफ्तों की ट्रेनिंग हुई है। सभी बच्चे अपने परिवार से, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, विशेषकर महिलाएं। जैसे ही इन्होंने बीटीसी के गेट पे कदम रखा था, ये अपने अपने परिवार की लाडली और दुलारी थी और एक फूल जैसे यहां आए थे। लेकिन जिस प्रकार सोना 24 कैरेट का कहा जाता है, 24 कैरेट का प्योर होता है, और सही 24 हफ्ते के ट्रेनिंग में हमने इन्हें फूल से फौलाद बना दिया है। अब जो आपके सामने प्रशिक्षणार्थी खड़े हैं, ये वो हिमवीर हिमवीरांगनाएं हैं जो कि -50 से लेके और +30 से +35 डिग्री में कार्य करेंगे। संक्षिप्त विवरण बता दिया गया है। भारत के 18 राज्यों से ये ट्रेनीज आए हैं, जो कि उत्तर में हिमाचल से, दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में बंगाल, सभी जगह से ये ट्रेनीज आए हैं। सभी धर्मों के बच्चे हैं इनमें, और यहाँ पे विशेष जो मैं ध्यान मीडिया बंधु का आकर्षित करना चाहूँगा कि इनमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं। इनकी ट्रेनिंग मार्च 2024 में प्रारंभ हो गई थी और बीटीसी के द्वारा 24 हफ्ते की ट्रेनिंग आज संपन्न हो रही है। इनको शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इनको व्यवसाय और कार्य में दक्ष के उद्देश्य से प्रशिक्षणार्थियों को ड्रिल, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, जूडो, कराटे, आंतरिक सुरक्षा आदि विषयों तथा हथियारों की सिखलाई, जिसमें 5.56 इंसास, LMG, 9mm कार्बाइन, 9mm पिस्टल, AK-47, 50mm मोटर, ग्रेनेड्स, स्नाइपर राइफल और 84mm CGRL का विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। साथ के साथ मैं महोदय के संज्ञान में लाना चाहूंगा
कि बीटीसी ने कुछ इनोवेशंस ट्रेनिंग में किए हैं। एक जो सिलेबस हेडक्वार्टर के द्वारा अप्रूव्ड है उस पर तो हम कर ही रहे हैं, इसके अतिरिक्त इनकी बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए प्रत्येक माह एक क्विज कंपटीशन भी किया जाता था ट्रेनीज में, और जैसे जैसे एक कंपटीशन के माध्यम से इन बच्चों का एक जनरल नॉलेज ताकि ये भार क्या हो रहा है उसके उसमें भी अपने आप को अपडेट रख सकें। साथ के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे कराए जाते रहते हैं महीने में हर 15 दिन में एक बार, ताकि बच्चों का अन्य राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या उनके साथ भी इनका जो है ज्ञान बढ़ सके। महोदय, ट्रेनिंग में बच्चे जो हैं अपना और इंटरेस्ट लें, इसमें कई प्रकार के हमारे द्वारा सुधार किए गए हैं और आज ये रिजल्ट है कि इतनी अल्प अवधि के ट्रेनिंग के बाद भी इनका दर्जा जो है किसी भी अन्य ट्रेनीज के भांति, जिनका कि 42 हफ्ते का ट्रेनीज होता है, उनके समकक्ष लाके आज ये खड़े हैं आपके सामने। महोदय, काफी गहन इवोल्यूशन के बाद हमने बेस्ट ट्रेनीज इन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, बेस्ट ट्रेनीज इन वेपन हैंडलिंग, बेस्ट ट्रेनीज इन ड्रिल, बेस्ट ट्रेनीज इन फायरिंग और ओवरऑल बेस्ट ट्रेनीज को भी चुना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आधार प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद आप सभी प्रशिक्षणार्थियां अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे और वहां सौंपे गए कार्यों को जिम्मेवारी और निष्ठा से पूर्ण करेंगे। मैं सभी अभिभावक, जितने भी आप लोग आए हैं, आपका भी जो मेरे दाएं बाएं और सामने बैठे हुए हैं, सबका मन से धन्यवाद करता हूं कि आपने आईटीबीपी में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए और अपने बच्चों को आईटीबीपी में जाने के लिए आपने प्रोत्साहित किया और इन्हें भी आपने हमें आगे सपोर्ट करे थे। और मुझे पता है कि ट्रेनिंग पूरा करने में आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बच्चे फोन से आपसे बात करते रहे होंगे और हमेशा आपने इनका उत्साहवर्धन किया है, इसलिए मैं आपका भी आभारी हूँ आईटीबीपी की तरफ से कि पेरेंट्स ने बच्चों का जो मनोबल बढ़ाया है फोन के माध्यम से या अन्य संपर्क के माध्यम से। मैं आपके हृदय से आभारी हूँ और विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में जब बच्चे हमारे फील्ड में जाएंगे, उस वक्त भी यदि बच्चा कभी कमजोर पड़ता है, ये परिवार है जो बच्चों को आगे हिम्मत देगा और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करेगा। मैं पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों को बीटीसी में सफलतापूर्वक ट्रेनिंग करने की बधाई देता हूं और आने वाले समय के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। बट एक ही चीज मत भूलना आप लोग, जैसा कल मैंने आपसे कहा था, आप जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर बीटीसी की छाप रहेगी। ध्यान रखें, आप एक इंडिविजुअल नहीं है, आप बीटीसी के नाम को अपने साथ लेके जा रहे हैं, अपने ट्रेनीज को अपने इंस्ट्रक्टर्स के नाम को अपने साथ लेके जा रहे हैं, अपने अधिकारियों का अपना नाम साथ लेके जा रहे हैं और लास्ट में भी कोई ऐसा कार्य आप करेंगे तो पूरा लांछन मेरे ऊपर आ गया। अच्छा, निमड़िया साहब ने ट्रेनिंग दिया था तो मुझे पूर्ण विश्वास है बीटीसी के नाम, इस जगह का ट्रेनिंग सेंटर अपने गुरुजनों के नाम के, आप हमेशा इस समाज के अंदर भी आईटीबीपी के अंदर भी उत्कृष्ट कार्य करेंगे और एक नमूना देंगे। धन्यवाद। और अब वो कि वो प्रशिक्षण के दौरान भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ रहे प्रशिक्षणार्थियों को अपने कर कमलों से पारितोषिक भेंट करने की कृपा करें। ये वो प्रशिक्षणार्थी हैं जिन्होंने अपने प्रशिक्षण के दौरान अपना अलग ही एक मुकाम बनाया है।
बेस्ट इन ड्रिल, बेस्ट इन ड्रिल। हवलदार सीएम दीपक सिंह। प्रशिक्षण के दौरान कवायद के क्षेत्र में पूर्ण निष्ठाभाव व ईमानदारी से अद्वितीय कवायद का निरंतर अभ्यास और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और ये खिताब हासिल किया है। हवलदार सीएम दीपक सिंह। दर्शकों से अनुरोध, जोरदार तालियों के साथ खैर मकदम कीजिए इन पुरस्कार विजेताओं का। वेस्ट इन वेपन कांस्टेबल वॉशरमैन सुमित कुमार। प्रशिक्षण के दौरान अथक मेहनत व लगन से निरंतर 24 सप्ताह प्रयास के बाद हथियार प्रशिक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर ये मुकाम हासिल किया है। कांस्टेबल वॉशरमैन सुमित कुमार। बेस्ट इन फायरिंग हवलदार वेटरनरी शुभम कुमार। अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर स्टीक निशाने का प्रदर्शन करते हुए यह मुकाम हासिल किया है, जो कि बल के एक गोली एक दुश्मन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हवलदार वेटरनरी शुभम कुमार। बेस्ट इन एंड्योरेंस हवलदार सीएम तौकीर अहमद। प्रशिक्षण के दौरान निरंतर 24 सप्ताह तक अपने अथक प्रयास से अपने आप को शारीरिक प्रशिक्षण गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ साबित कर ये मुकाम हासिल किया है। हवलदार सीएम तौकीर अहमद। और अंत में ओवरऑल बेस्ट रनिंग हवलदार सीएम दीपक सिंह। प्रशिक्षण के सभी क्षेत्रों में अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए अपने आप को 768 प्रशिक्षणार्थियों में प्रशिक्षण के दौरान आयोजित विभिन्न प्रयोगात्मक और लिखित परीक्षाओं में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित कर सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। हवलदार सीएम दीपक सिंह। पारितोषिक देने के लिए महोदय के हम बहुत धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि सीढ़ियां उन्हें नसीब हों जिन्हें मंजिल को पाना हो। कहते हैं कि सीढ़ियां उन्हें नसीब हों जिन्हें मंजिल को पाना है, उन्हें सीढ़ियों की दरकार क्या जिन्हें आसमान पे घर बसाना है। पारितोषिक ग्रहण करने के उपरांत सभी अपने अपने चिन्हित स्थान की ओर कदम बढ़ाते हुए चुस्त कदमों के साथ। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी बस हिंदुस्तान की हो।
हिंदुस्तान की हो। और अब मैं अनुरोध करूंगा संस्था प्रमुख श्री आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया से कि वो मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ खैर मकदम कीजिए महोदय का। और अब मैं मुख्य अतिथि श्री संजीव बैना अपर महानिदेशक पश्चिमी कमान मुख्यालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से निवेदन करता हूं कि वो आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नव आरक्षकों के मार्गदर्शन व आशीर्वाद स्वरूप चंद शब्द कहने की कृपा करें। श्री संजीव बैना। श्री आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान भानु, इस मौके पर उपस्थित सभी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी, उनके परिवार, बाहर से आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, आज की परेड में हिस्सा ले रहे हिमवीरों के परिवारजन, मीडिया क्षेत्र से आए हुए हमारे सभी मित्र, सम्मानित महिलाएं, बच्चे और आज की परेड में पास आउट हो रहे सभी हिमवीर, आज की शानदार परेड के आयोजन और अद्भुत परेड के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह संस्थान बीटीसी, जैसा कि महानिरीक्षक बीटीसी महोदय ने भी बताया, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का सबसे आला दर्जे का एक संस्थान है, सबसे पुराना संस्थान है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में प्रवेश किया गया हर हिमवीर अपने कैरियर के किसी न किसी स्टेज पर यहां से अवश्य गुजरता है। ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इस प्रशिक्षण संस्थान ने पिछले 6 दशकों से ज्यादा अपने सेवा काल में जो अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं, यदि मैं उनका बयान करूं तो शायद मुझे शाम हो जाएगी, लेकिन मैं संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सभी हिमवीरों को बीटीसी भानु पर बहुत बहुत गर्व है। आज की परेड में शामिल और पास आउट हो रहे सभी हिमवीरों को मैं कुछ कहना चाहूंगा। आपकी जिंदगी का आज एक सबसे महत्वपूर्ण दिन, ऐसा मैं मानता हूं, आज है जो हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में स्थायी हो जाएगा। आप हमेशा इस दिन को याद करेंगे, आज के चित्र देखेंगे और यह दिन और आज के दिन आपकी कार्रवाई आपके मोराल को हमेशा ऊपर रखेगी। आपने आधार प्रशिक्षण में जो परिश्रम किया है वो भविष्य में आपके बहुत काम आएगा। यहां किया गया हर कार्रवाई आपके द्वारा आपके भविष्य के हर उस पग को और सुदृढ़ता प्रदान करेगी जिसके ऊपर चलते हुए आप भविष्य में नई ऊंचाइयों को अवश्य छुएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप आने वाली चुनौतियों का सामना पूरी क्षमता के साथ करेंगे। अभी हाल ही में पिछले कुछ समय में भारत सीमा पुलिस बल ने ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2024 में जो गुवाहाटी में संपन्न हुई थी उसमें कई मेडल जीते हैं। ये टीम यही बीटीसी में स्थापित है, जिसके लिए मैं महानिरीक्षक बीटीसी और उनकी समस्त टीम को बधाई देता हूं। इसके अतिरिक्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के वीर हिमवीरों ने इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा का सफलतापूर्वक संचालन किया। चारधाम यात्रा में हमारा अद्भुत सहयोग रहा। जैसा कि आप सभी जानते रहे और देखते रहे, लोकसभा हो या विधानसभा के चुनाव हो, हर जगह हिमवीरों का अलग ही कार्य करने का नजरिया था
जो पूरा राष्ट्र बहुत ही कौतूहल के साथ देखता है। अभी हाल ही में लेह में आईटीबीपी की एक टीम ने सीमा के ऊपर कुछ तस्करों को चौकसी दिखाते हुए पकड़ा और उन तस्करों से 108 किलोग्राम सोना बरामद किया, जो एक अभूतपूर्व काम था। ऐसी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी अनेकों उपलब्धियां हैं और उन उपलब्धियों का पार्ट, उनका हिस्सा होने जाएंगे आज यहां से पास आउट हो रहे 761 हिमवीर। कल से आप भी उन गतिविधियों में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे और हमेशा यह ध्यान रखेंगे कि आपकी हर कार्रवाई से ना सिर्फ बीटीसी का अपितु भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का और इस राष्ट्र का नाम सदा गौरवान्वित हो। अंत में मैं एक बात अपनी तरफ से और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक महोदय की तरफ से आज की परेड में शामिल हो रहे सभी हिमवीरों और उनके परिवारजनों से कहना चाहूंगा, आप लोग दूर दूर से आए हैं यहां पर अपने बच्चों को देखने के लिए, जो अब आज की दिनांक से बच्चा ना रहते हुए भारत राष्ट्र के एक आर्म्ड सदस्य हिमवीर के रूप में अपना कार्य शुरू करेंगे। उन सभी माताओं का धन्यवाद जिन्होंने 9 महीने तक आपको अपने साथ रख करके बड़ा किया, उस परिवार ने जिनको लाड़ प्यार से प्यार से इनका पालन पोषण किया। आपने हमें सिर्फ 6 महीने का मौका दिया, 24 हफ्ते, उस 24 हफ्तों में हमने इन बच्चों को राष्ट्र का सैनिक बनाने की पूरी पूरी चेष्टा करी। मुझे बीटीसी की कार्रवाई पर, बीटीसी के क्रियाकलापों पर किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। मैं आश्वस्त हूं कि यहां पाए गए प्रशिक्षण से आप जिस लोहा और सोने के रूप में आगे आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में जो निखार आएगा वो आपके माता पिता आज ही देखेंगे। आगे आने वाले समय में भी परिवारों से मेरी उम्मीद है कि हालांकि आपके बच्चे अब भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की अमानत हो गए, राष्ट्र की धरोहर हो गए, लेकिन आप इनके कान खींचना ना छोड़ें। जब भी आपको मौका मिले और आप देखें कि ये किसी गलत रास्ते पर चल सकते हैं, तुरंत इंटरवीन करें, हमें बताएं, इन्हें बताएं, लेकिन इनकी सुरक्षा और कल्याण की आखिरी जिम्मेदारी आपकी और हमारी सम्मिलित रूप से है, तभी हम राष्ट्र को और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से कार्य कर पाएंगे। मैं दोबारा आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज के अवसर पर आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और अब मैं अनुरोध करूंगा ब्रिगेडियर गुरेंद्र पाल सिंह गिल उप महानिरीक्षक महोदय से कि वो मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, महिलाओं, अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, गणमान्य व्यक्तियों एवं उपस्थित जन समुदाय के धन्यवाद स्वरूप चंद शब्द कहने की कृपा करें। ब्रिगेडियर गुरेंद्र पाल सिंह गिल। सम्मानित आदरणीय श्री संजीव रैना, एडीजी वेस्टर्न कमांड भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, श्री आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया महानिरीक्षक बीटीसी, डॉक्टर टेकचंद डीआईजी वेट बीटीसी, श्री सुनील कांडपाल कमांडेंट बीटीसी, सम्मानित अतिथिगण, अधिकारीगण, मीडिया बंधु, महिलाएं, अधीनस्थ अधिकारीगण, प्रशिक्षक वर्ग, हिमवीर साथी, बैंड व दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले ट्रेनीज व उनके सभी उपस्थित परिजन, आज के इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह के शुभ अवसर पर यहां पधारने के लिए मैं सहृदय आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। इस अवसर पर विशेष रूप से मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री संजीव रैना, एडीजी वेस्टर्न कमांड आईटीबीपी का धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने अति व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर इस समारोह का आतिथ्य स्वीकार किया और हमें कृतार्थ किया। बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, अधिकारियों एवं महिलाओं का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने इस भव्य समारोह का साक्षी बन इन नव सैनिकों के इस विशेष दिन को अविस्मरणीय बनाया है। साथ ही यहां पर उपस्थित इन ट्रेनीज के अभिभावकों,
एवं संबंधियों के प्रति मैं प्रशंसा एवं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने लाडलों को राष्ट्र सेवा के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया और उनके आज इस महत्वपूर्ण दिन को देखने हेतु इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हुए हैं। जब यह सब अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये नव हिमवीर अपने अपने क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए बल और देश का नाम ऊंचा करने के साथ साथ आप सभी को भी उन पर गर्व करने का मौका देंगे। मैं इस अवसर पर उपस्थित पत्रकार बंधुओं का भी आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने सदैव ही बल के सकारात्मक छवि को उजागर किया है एवं आज इतनी तादाद में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की महत्ता को और भी बढ़ा दिया है। मैं प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के समस्त अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों, प्रशिक्षक संवर्ग, हिमवीरों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह को रोचक एवं सफल बनाने के लिए पिछले करीब एक महीने से अथक परिश्रम किया है एवं इस हेतु अपना अमूल्य योगदान दिया है। अंत में मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। परेड कमांडर के द्वारा जनरल सैल्यूट के साथ महोदय का पुनः अभिनंदन किया गया। परेड कमांडर परेड के समापन एवं निष्क्रमण की अनुमति लेने के लिए चुस्त कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड निष्क्रमण की अनुमति लेने के उपरांत अपने चिन्हित स्थान की ओर पुनः अग्रसर। जय उद्घोष के बाद अब ये नव सैनिक पाइप बैंड की मधुर धुन पर इस विशाल प्रांगण का, जहां इन्होंने 24 सप्ताह तक पसीना बहाया है, से विदाई ले रहे हैं। 24 सप्ताह पूर्व जो स्वप्न इन हिमवीरों ने देखा था वो पूर्ण हो चुका है। विदाई का यह अवसर भावुक होने का कतई नहीं है। आप लोगों ने यहाँ 24 सप्ताह का समय अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन और स्नेह में गुजारा है। अब वक्त आ चुका है जो प्रशिक्षण गुरुजनों द्वारा दिया गया है और जो समय यहाँ पर व्यतीत किया है, उसे अपने स्मृति पटल पर संजोकर देश सेवा और बल सेवा के लिए कर्म निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करने के लिए आगे बढ़ें। आज से जिंदगी की बुनियाद याद रखना, देश सेवा से देश को आबाद रखना, कभी न लड़खड़ाएं तुम्हारे कदम, इसलिए सदैव हमारी सिखलाई को याद रखना। आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की, कौन जाने तुम्ही से रोशन कल सारा जहां हो। इसी के साथ वातावरण कुछ और अधिक खुशनुमा हो गया है,
शपथ ग्रहण करने वाले नव सैनिकों के चेहरों पर खुशी की चमक कुछ और बढ़ती प्रतीत हो रही है। हिमवीर और हिमवीरांगनाओं के परिवार आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके कदमों से कदम मिलाने व जिम्मेदारियों को उठाने के लिए एक नई पीढ़ी तैयार हो गई है। ये पीढ़ी दृढ़ संकल्प के साथ बल बंधुओं को आश्वान्वित करते हुए कि हम बल की गरिमा और प्रतिष्ठा को अखंड बनाए रखेंगे। आज के दिन गुरु दीक्षा पूर्ण हो जाती है। गुरु और शिष्य का एक तरफा रिश्ता समाप्त हो जाता है। इनके प्रशिक्षक भावपूर्ण विदाई के साथ अपने इन शिष्यों को शुभकामनाएं दे रहे हैं और मानो यह कह रहे हैं कि आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की, कौन जाने कल तुम्ही से रोशन सारा जहां होगा। बहुत ही खुशकिस्मत हैं ये हिमवीर जो इन्हें भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जैसे बल में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह बल आकार में देश के अन्य अर्धसैनिक बलों से निसंदेह छोटा है, लेकिन उपलब्धियों के मामले में किसी से कम नहीं है। विश्व के 14 सर्वश्रेष्ठ अर्धसैनिक बलों में इस बल की गणना की जाती है, जो कि अपने आप में एक विशेष मुकाम है। आज ये हिमालय के प्रहरी बल के ऊंचे अनुशासन व आदर्शों के अनुरूप कार्य करने, बल के गौरव को बढ़ाने तथा भारत के एक वीर सैनिक के साथ साथ सुयोग्य नागरिक बनने का प्रण कर रहे हैं और अपना बहुआयामी प्रशिक्षण सामरिक हथियार, आपदा प्रबंधन, प्रति विद्रोहिता एवं विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा आदि की दीक्षा लेकर इस भव्य प्रांगण से विदाई लेंगे। कितना अनुशासन और कार्य के प्रति कितनी एकजुटता, ये सब संभव हो पाया है इनके गुरुजनों की अथक मेहनत और अपने कार्य में महारत एवं निष्कर्म सेवा के फलस्वरूप। कैसी भी परिस्थितियां रही हों, चाहे गर्मी में झुलसा देने वाले लू भरे दिन हों, या आंधी हो या बारिश हो, चाहे सर्दी में ठिठुरा देने वाले दिन हों, प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार का कोई समझौता किए बिना इन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने में अपना विशेष योगदान देकर इन्हें परिपक्व सैनिक बनाया है। बहुत ही खुशकिस्मत है ये हिमवीर जो कि इन्हें भारत माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह बल आकार में देश के अन्य अर्धसैनिक बलों में निसंदेह छोटा है, लेकिन उपलब्धियों के मामले में किसी से कम नहीं है। विश्व के 14 सर्वश्रेष्ठ अर्धसैनिक बलों में इस बल की गणना की जाती है। दुश्मनों सुन लो, सुरक्षा की एक और दीवार खड़ी हो गई है। सरहदों की निगरानी के लिए सैकड़ों आंखें तैयार हो गई हैं। भारतीय सैन्य शैली के परिधानों में सुसज्जित परेड, पांव में सफेद गेटर, कमर में शौर्य का प्रतीक कमरबंद, गले में दृढ़ता का सूचक बल स्कार्फ एवं सिर पर नीली टोपी, साथ ही खाकी रंग का ये परिधान जो सफेद मातृभूमि की मिट्टी के प्रति हमारे दायित्वों को याद दिलाता है। जाओ रण बांकुरो, माँ तुम्हें पुकार रही है। देखना माँ भारती की आन बान और शान में कोई आंच न आने पाए। माँ के सपूतों बने रहो सजग प्रहरी, हिमालय की तरह आखिरी गोली आखिरी दम तक, ताकि समस्त भारतवासी चैन की नींद सो सके। धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को माँ भारती की सेवा के लिए समर्पित किया है। राष्ट्र धर्म व राष्ट्र की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और इस पथ पर अपने जिगर के टुकड़ों को भेजना निसंदेह महान कार्य है। ऐसे माता पिताओं को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। मैं अपने देश का हरदम सम्मान करता हूँ, मैं अपने देश का हरदम सम्मान करता हूँ। यहाँ की चंदन सी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की,
मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो मेरा कफन बस यही अरमान रखता हूँ, तिरंगा हो मेरा कफन बस यही अरमान रखता हूँ। आप सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। महोदय, आज के समारोह के अगले चरण में कुछ एक प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। सबसे पहले प्रशिक्षणों की श्रृंखला में आपके सामने सेंट्रल पाइप बैंड टीम द्वारा पाइप बैंड डिस्प्ले दिखाया जाएगा, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं निरीक्षक जीडी द्वाकर प्रसाद। पाइप बैंड डिस्प्ले। एक के बाद एक कई रोमांचित कर देने वाला डेमोंस्ट्रेशन का प्रदर्शन शुरू होगा। तो दर्शकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जब कोई भी प्रदर्शन हो तो कृपया तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कमी ना आए। यह है सेंट्रल पाइप बैंड भारत की प्रसिद्ध ऑफिस पर अगुवाई कर रहे हैं निरीक्षक जीडी दिवाकर प्रसाद। सेंट्रल पाइप बैंड टीम जिसमें हिम वीरांगनाओं का सहभागिता भी आप देख सकते हैं, किस जोर शोर के साथ कदम से कदम और अपने मधुर धुन पर अपने फॉर्मेशंस का प्रदर्शन करते हुए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस पाइप बैंड का। देखिए अपने धुन पर मदमस्त हाथी की तरह, अपने ही धुन पर मदहोश है।
दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि जोरदार तालियों से इनका खैर मकदम किया जाए। और अब मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करने निकल पड़े हैं सेंट्रल पाइप बैंड के हिमवीर और हिमवीरांगनाएं। सेंट्रल पाइप बैंड दस्ता इंस्पेक्टर जेडी दिवाकर प्रसाद की अगुवाई में महोदय का अभिनंदन करने के लिए मंच की ओर अग्रसर। महोदय का जोरदार तरीके से अभिनंदन किया। तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कमी ना आने दें। दर्शकों से मेरा अनुरोध, क्या शानदार प्रदर्शन किया है भारत की तिब्बत सीमा पुलिस बल के हिमवीर और हिमवीरांगनाओं का ये मिला जुला दस्ता। प्रदर्शनों की अगली कड़ी में अगला प्रदर्शन होगा सेंट्रल योगा टीम के द्वारा। आइए तन मन को स्वस्थ बनाएं, हम सब मिलकर योग को अपनाएं। योग ऐसी पद्धति है जिसमें आत्मा को परमात्मा से मिलने का मार्ग दर्शाया गया है। योग की उत्पत्ति भारतवर्ष में लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। योग तन और मन को स्वस्थ रखना सिखाता है। अब आपके सामने प्रस्तुत है योग प्रदर्शन जिसे बल के केंद्रीय योगा टीम द्वारा अतिथि योगा ग्रुप के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है। सर्वप्रथम आपके सामने हिमवीरांगनाओं द्वारा अलग अलग आसन व थेरेपी प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें एक पाद चक्रासन, रामदूत आसन, हमारे शत्रु तो सारे हारे जय प्रदर्शन किया जाएगा। हम दो सिपाही जो है सदा ही रूप शिवा का धारे जय हो। शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है ये योग। आज मेरे छठे हैं, कम हुए हैं घटे हैं, कल जो दुश्मन यहाँ थे आज पीछे हटे हैं।
गाती है धरती है गाता ये अंबर है गाती है सारी हवा तेरे मन में शिवा मेरे मन में शिवा सांसों में शिवा प्राणों में शिवा हर घड़ी में शिवा हर दिशा में शिवा आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा तेरे मन में शिवा मेरे मन में शिवा सांसों में शिवा प्राणों में शिवा हर घड़ी में शिवा हर दिशा में शिवा आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा तेरे मन में शिवा अनुरोध रहेगा कि दो बार तारीख के साथ हौसला अफजाई की जो हमारे संचालन होगा नाम क्या शानदार मराठारी है जो देश भक्ति के उद्देश्य के गीत के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं माता रविंद प्रसाद आसन एक पाद लेफ्टिनेंट जल्द से जल्द हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट कीजिए नटराज आसन बेताल आसन और चकोर आसन शुरू करो नमन सूर्य को करिए प्राणायाम बस जाएंगे हृदय में शिवा क्रिया सभी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी हाल ही में संपन्न गोरखपुर में राष्ट्र योगा कंपटीशन के दौरान हमारे दो ही वीरांगना कांस्टेबल महिला जयंती और कांस्टेबल महिला करुणा का राष्ट्रीय मूवमेंट से सिलेक्शन हुआ है 14 तारीख के साथ दोनों ही हिंद वीरांगना का अभिनंदन कीजिए जो कि हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है ये केवल ही केवल संभव हो पाया है श्री आनंद पाल सिंह निपाड़िया महानिरीक्षक बीजेपी के साथ बैठक सारा जमाना फिर देगा मिसाला सबको
वो एक ऐसी कला है जो हम सबके अंदर है और जरूरत है उसको पहचानने की, उसको जानने की। वो हमें बनाता है निराश। पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा नंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सेंट्रल योगा टीम की खिलाड़ियों के द्वारा मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे सेंट्रल योगा टीम के द्वारा बहुत ही शानदार प्रदर्शन। प्रदर्शनों की श्रृंखला में अब आपके सामने 489 कांस्टेबल जीडी बैच के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सर्किट पीटी डेमो दिखाया जाएगा। महोदय, शारीरिक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य एक जवान की व्यक्तिगत कार्य क्षमता को ऊंचे दर्जे तक पहुंचाना होता है। एक जवान की सबसे बड़ी पूंजी उस जवान की फिजिकल फिटनेस होती है और इस पूंजी को बनाए रखने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण के निम्न 5 तत्वों को अपने शरीर के अंदर समाहित करना अनिवार्य होता है। एंड्योरेंस, स्ट्रेंथनिंग, कोऑर्डिनेशन, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। महोदय, आज का हमारा प्रदर्शन सर्किट ट्रेनिंग है। सर्किट ट्रेनिंग एक सतत और विकसित होने वाला प्रशिक्षण व्यायाम कार्यक्रम है जिसे 1953 में इंग्लैंड के लीड्स विश्वविद्यालय में आरी मॉर्गन और जेई एंडरसन द्वारा विकसित किया गया था। सर्किट शब्द का अर्थ है सावधानी पूर्वक चयनित कई अभ्यासों को क्रमिक रूप में व्यवस्थित करना। सर्किट ट्रेनिंग को आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग पुणे के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। महोदय, सर्किट ट्रेनिंग में 6 से 12 अभ्यासों को एक के बाद एक किया जाता है। हर अभ्यास निर्धारित रिपीटेशन या निर्धारित समय तक की जाती है। Are you ready? दर्शकों से अनुरोध है प्रशिक्षणार्थियों के उत्साह वर्धन हेतु तालियों की गर्जना को कम न होने दें। बड़ी ही चुस्ती के साथ प्रदर्शन करती हुई ये प्रशिक्षणार्थी। Thank you.
महोदय, सर की ट्रेनिंग के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए टोली की नफरी के अनुसार अलग अलग अभ्यास के स्टेशन बनाकर अभ्यास करते हैं। सबसे पहले आपके ठीक सामने स्टेशन नंबर एक बोथ लेग शूटिंग। इस अभ्यास को निरंतर करने से पैर व कोर की मसल मजबूत होती है, साथ ही दौड़ में गति को बढ़ाने तथा कमर के लचीलापन बढ़ाने में मदद मिलती है। इस अभ्यास को किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। दाहिने स्टेशन नंबर दो लेग एक्टिंग। यह अभ्यास कंधे, छाती, पेट व पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। व्यायाम को पूरे को करने से पूरे शरीर के व्यायाम एक साथ होते हैं। स्टेशन नंबर तीन सिटअप। इस अभ्यास को करने से लेटरल एवं कोर मांसपेशियां मजबूत होती हैं एवं पेट की चर्बी छुटाने में मदद करता है। स्टेशन नंबर चार सिंगल लेग शूटिंग। इस अभ्यास को करने से शरीर लचीला एवं फुर्तीला बना रहता है एवं ग्रोइन मसल मजबूत होती है। जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा नंबर पाँच अभ्यास को करने से और की मांसपेशियों को मजबूत मिलती है और चर्बी घटाने में मदद मिलती है। चुका मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा, उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। चक्का जितते आते मिलन बधाई आगे स्टेशन नंबर 6 चक्का अभ्यास वजन घटाने में मदद करता है। वजन की गति को संतुलित रखने में मदद करता है। कैलोरी को जल्दी है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो,
स्टेशन नंबर 7 शान फॉरवर्ड बैंक धनुष के बाण पे उतार दो मजबूती आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो पहलवान शान या किसान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है करे सो प्राण दे करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है गौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमान जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता जो जलेगा उसके नीले आसमान के तले कोयलों पे रात बिताई है पक्षियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है और अब ये प्रशिक्षणार्थी आपके सामने एरोबिक एक्सरसाइज का प्रदर्शन दिखा रहे हैं अब ये प्रशिक्षणार्थी आपके सामने पिरामिड बनाएंगे जो कि आईटीबीपी को प्रदर्शित कर रहा है दर्शकों से अनुरोध है प्रशिक्षणार्थियों के उत्साहवर्धन हेतु तालियों की गणना को कम न होने दें और अब आपके सामने ये प्रशिक्षणार्थी एक और पिरामिड बनाएंगे जो कि बेसिक ट्रेनिंग सेंटर बीटीसी को प्रदर्शित करेगा जयकारों के साथ दिल में जोश भरते हुए ये प्रशिक्षणार्थी इन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया गया दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि अब अपना दिल थाम कर बैठे क्योंकि अब एक दिल दहला देने वाला प्रदर्शन प्रस्तुत करने जा रही है आईटीबीपी की जाबाज टीम जिसका गठन 2017 में हुआ था जिसने
73वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में प्रथम बार भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की तरफ से राजपथ पर अपना प्रदर्शन कर सभी देशवासियों को रोमांचित किया एवं उत्साहित किया था, जो आज आपके समक्ष हमारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस की उसी जाबाज टीम द्वारा निरीक्षक जीडी रजनीश कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शन प्रस्तुत करने जा रही है, जिसमें सर्वप्रथम सीजरिंग राइडिंग है, जो कि अति जोखिमपूर्ण प्रदर्शन है, जिसमें कुल 16 जाबाजों द्वारा मोटरसाइकिलों पर अपना संतुलन बनाकर अनुशासन और तालमेल दिखाते हुए अलग अलग फॉर्मेशन प्रदर्शित करेंगे। आप सभी को रोमांचित किया जाएगा। आईटीबीपी का ये जावाज टीम निरीक्षक रजनीश की अगुवाई में जाबाजों द्वारा ग्राउंड का निरीक्षण किया जा रहा है। फॉर्मेशन एक्स क्रॉसिंग, जिसमें फोर साइड से क्रॉसिंग करते हुए एक्स की फॉर्मेशन ग्राउंड के मध्य में बनाई जाएगी तथा आपस में क्रॉसिंग की जाएगी। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाई से इनका हौसला अफजाई करें। अगली फॉर्मेशन डबल एक्स क्रॉसिंग फॉर्मेशन, ग्राउंड के मध्य में डबल एक्स की फॉर्मेशन बनाई जा रही है इन हिंदी जाबाजों द्वारा। साइड कॉर्नर क्रॉसिंग, जहाँ की चार दिशाओं से क्रॉसिंग करते हुए हमारे हिंदी जाबाज सैनिक। और इसके बाद डबल फोर साइड क्रॉसिंग, जिसमें जोड़ी जोड़ी में आपस में क्रॉसिंग की जा रही है इन जाबाजों द्वारा। और अब आप सभी के सामने दो साइड पर सर्कल बनाते हुए तथा बीच में से एक्स फॉर्मेशन बनाते हुए क्रॉसिंग कर रहे हैं ये जाबाज हिंदीर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की ये जाबाज टीम अब ग्राउंड के मध्य में बनाने जा रही है क्लॉक। जी हाँ, घड़ी के फॉर्मेशन आप सभी के सामने। दर्शकों से मेरा पुनः अनुरोध कि जोरदार तालियां बजाएं इन हिमवीरों के लिए। और अब आप सभी के सामने क्रॉस साइड क्रॉसिंग,
धाम की तीन दिशाओं से टॉपिंग करते हुए ये हिमवीर। अब आप सभी के सामने विपरीत गोले से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। प्रदर्शन होगा डायमंड फॉर्मेशन का। जी हाँ, आप सभी के सामने प्रदर्शन हो रहा है डायमंड फॉर्मेशन का। इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए अधिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। और अब आप सभी के सामने टेप फॉर्मेशन। और इसके बाद ये सभी हिमवीर आपस में आमने सामने एक दूसरे को क्रॉसिंग करेंगे। और अब आप सभी के सामने दिल दहला देने वाली दो फॉर्मेशन। जी हाँ, दर्शकों से अनुरोध है कि दिल से इन हिमवीरों के लिए तालियां बजाई जाए। और अंत में कमांडर सैल्यूट दीक्षा जीडी रजनीश कुमार के द्वारा महोदय का अभिनंदन किया जाएगा। अभी गुरुधाम के दशवैये, अभी तो ये आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो ये आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मुट्ठी भर जमीन आती है, पूरा आसमान बाकी है। दिल थाम के बैठिएगा प्लीज, दर्शकों से मेरा अनुरोध। और तालियों की गड़गड़ाहट से कोई कमी आने दें। हौसला अफजाई करें भारत की पश्चिम पुलिस बल की। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इन फॉर्मेशन को अपने घर पर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह प्रदर्शन करने के लिए जाबाज टीम के सदस्यों द्वारा कठिन अभ्यास व कठोर परिश्रम करने के लिए के बाद किया गया है। और अब 7 बाइकों पर 29 जवान सवार होकर प्रदर्शन करेंगे पिरामिड का, जिसमें एक समान संतुलन, तालमेल एवं रफ्तार बनाए रखने की आवश्यकता होती है। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है मुल्क की हिफाजत, कभी हम हिमवीरों से पूछ लेना। अंत में आप सभी से मेरा अनुरोध कि बल गीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होकर बल ध्वज को सम्मान देने की कृपा करें, जो कि पिरामिड फॉर्मेशन पर बल ध्वज के साथ शौर्य हमारी शान है, दृढ़ता मेरा अनुरोध रहेगा आपके हमारे मुख्य अतिथि महोदय से, कृपया हिंदी बच्चा में फोटोग्राफी हेतु प्रदानी की कृपा करें। और साथ ही साथ हमारे पास से सभी कैमरा व्यक्तियों, कारीगर, मीडिया बच्चों और सभी जरूरी है, सबसे मैं अनुरोध करूंगा वो कृपया जलपात के लिए हिंदुस्तानी भाषा में प्राणी का कृपा करें। और इसी के साथ मैं चेरिंग ताशी सेकंड कमांड जीडी, अपने साथी कमेंटेटर सब इंस्पेक्टर जीडी प्रगति और कांस्टेबल शमा के साथ
आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय आईटीबीपी।